भाजपा शासनकाल के 9 वर्ष की उपलब्धि भाजपा के मोर्चा लोगों तक पहुंच रहा है। विपक्ष जनता को गुमराह कर नकारात्मक सोच पैदा करना चाहता, इसके लिए भाजपा सकारात्मक पहलुओं को लेकर हर मोर्चे पर जा रही। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने युवा मोर्चा गरीब कल्याण कार्यक्रम में पार्टी कार्यालय में व्यक्त की। उन्होंने कहा, भाजपा ने जो किया वही संगठन पदाधिकारी कर रहे। भाजपा के पास उपलब्धि है, विपक्ष के पास झूठा प्रचार। जनता को गुमराह के सिवा विपक्ष क्या कर सकता। इस मौके पर सांसद कीर्ति वर्धन सिंह, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, विधायक प्रेम नारायण पांडे और भी लोग मौजूद रहे। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक जनसंपर्क का अभियान, महाजनसंपर्क अभियान तय किया है और अलग अलग स्वरूपों में हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में घर घर जाकर अपने रिपोर्ट कार्ड जनता के सम्मुख रखेंगे। उसके लिए अलग अलग स्वरूपों में हमने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को काम दिया। आज विधानसभा का मोर्चों का सम्मेलन, जो हमारे मोर्चे हैं अलग अलग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, उन मोर्चा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो काम उन्हें निर्धारित किया जनसंपर्क में इस अभियान में, उस काम की हमने चर्चा की है। और मुझे विश्वास है कि विपक्षी दल जिस प्रकार से निगेटिव काम कर रहे हैं, नकारात्मक काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी अपने काम, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में, तो प्रदेश की और देश की महान जनता का आशीर्वाद योगी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा की सीटें जीतेगी। भाजपा का इस संकल्प है और उस संकल्प को लेकर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप निगेटिव एजेंडा, नकारात्मक एजेंडा। विधानसभा का चुनाव हारे, कोमा में चले गए। अभी नगर निकाय चुनाव में देश की, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया, तो वो लोगों को भ्रमित करने का एक निगेटिव एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम उन्होंने निमिषण से अपनी पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत की है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी बात कार्यकर्ताओं में रख रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो पिछली बार से 6 महीने से वो अनावश्यक बयान दे रहे हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बोल रहे हैं, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में बोल रहे हैं, हमारी धार्मिक संस्थाओं के बारे में बोल रहे हैं, और किस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, उसका तो जवाब समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा और पूरे प्रदेश की जनता इस सब विषयों पर अखिलेश यादव जी का मत जानना चाहेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश, निश्चित रूप से हमारी सरकार संकल्पित है और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए SIT का गठन किया है और SIT सारे पहलुओं की जांच करके एक निश्चित समय अवधि में अपनी रिपोर्ट दे। संजीव जीवा का जिस प्रकार से आपराधिक इतिहास था और कौन कौन लोग उस घटनाक्रम में सम्मिलित हैं, वो सारी जानकारी SIT की रिपोर्ट आने के बाद आएगी। और संकल्प, सरकार संकल्पित है कि जो नियमों में प्रावधान है, व्यवस्था है,